दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। दोस्तों मैं आप लोग बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने, और साथ ही साथ आप लोगों को साथ बहुत बड़ा गलत भी हो गया है कि आप लोग का जो भी जितने भी किसान भाई एवं बहन लोग जितने भी सहारा रिफंड में आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों ने फॉर्म भरा था, उन लोगों का किसी किसी का पैसा आ रहा है और किसी किसी का पैसा नहीं आ रहा है। और यानी कि आप लोगों करोड़ों किसान भाई एवं बहन लोगों का पैसा क्या हुआ है, फंसा हुआ है अभी तक। और आप लोगों का जो एक बहुत बड़ी जो अपडेट आया हुआ है, वो आप लोगों का एक जैसे ही आप लोगों के मोबाइल पर मैसेज आया होगा और UTI रिलेकर नंबर आप लोग बैंक में गए होंगे, तो आप लोगों के पासबुक एक छप गया होगा प्रिंट। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या आप लोगों का प्रॉब्लम आया हुआ है। पेमेंट आने के बाद भी आप लोगों के अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है, उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर है, अभी सहारा रिफंड पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों को कैसे चेक करना है उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना, यानी कि जमाकर्ता लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप लोगों का आधार कार्ड के अंतिम 4 डिजिट यानी कि लास्ट का जो 4 डिजिट होता है, जैसे कि किसी किसी का रहता है 5666, आप लोग क्या करेंगे 5666 इसमें फिल कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों को डाल लेना होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड का अंतिम 4 अक्षर डालेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, यानी कि आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर है इस तरह से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे जो भी आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे डाल लेना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 8201078283, ये अगर आप लोग का आधार से नंबर जुड़ा हुआ रहेगा तभी आप लोग उसको डालिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा अपडेट किया गया और क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम दिखाया जाएगा उसके बाद क्या सोल्यूशन है, तो इस तमाम जानकारी आप लोग इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक किसान भाई का यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे मैसेज का पेमेंट वाला मैसेज है, इसमें दिया गया है कि रिफ़ंड अमाउंट 10,000 पर डिपॉजिटर अगेंस्ट ऑल अप्रूव्ड क्लेम्स, यानी कि ऑल अबाउट क्लेम्स के बाद आप लोग क्या हो जाएगा, यह पेमेंट का मैसेज स्क्रीन पर आएगा। और आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर तो आप लोगों को एक यहाँ पर दिया गया है कब का है, दावा दिनांक 14 अगस्त 2023। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपये की अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर तो आप लोगों को अप्रूव्ड क्लेम्स और रेफरेंस आईडी SDL है। जैसे ही आप लोग पासबुक प्रिंट करवाएंगे तो आप लोग को यह सेम रेफरेंस आप लोगों को छप जाएगा उसमें कि कहाँ से पैसे और कहाँ से ट्रांजेक्शन हुए वो आएगा। देख सकते हैं बैंक नेम भी आप लोगों को दिया है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और रिमार्क्स की बात करें तो 0 सक्सेस आप लोग को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे जो नई अपडेट की गई है पोर्टल पे और क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं, क्यों पैसे नहीं आ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड करके एक प्रॉब्लम आया हुआ है और उसका सोलूशन क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल सोलूशन के साथ प्रूफ के साथ आप लोगों को बताने वाला है इस वीडियो में। तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोगों का सभी का पैसा रिफंड हो पाएगा, अन्यथा आप लोग क्या कर रहेंगे, वंचित हो जाएंगे अपने पेमेंट के लिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, दिखाता हुआ अपडेट सहारा रिफंड पोर्टल का, क्या नई अपडेट है, क्या पहल है, क्या इसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम आप लोगों का जो भी कमेंट आते हैं उसका क्या करने वाला हूँ, जवाब देने वाला हूँ। इस ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन तो कर दिया है, लॉगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है इस पोर्टल का, जो पेमेंट वाला मैसेज आ रहा है आप लोग के मोबाइल में, या क्या रियलिटी है इसका, क्या पेमेंट सच में आ गया है कि नहीं आया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखेंगे तो लॉगिन कर लेने के बाद, जमाकर्ता लॉगिन पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड करके आप लोग का एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यह क्या प्रॉब्लम है, और आप लोग बगल में ही देखेंगे तो 10,350 रुपये किया गया, तो कमी के कारण भी आप लोग को बताया कि खाता खोलते सदस्य फॉर्म का स्कैन की गई छवियाँ सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे आखिर क्या है यह खाता खोलने की सोसाइटी प्रॉब्लम,
तो आप लोगों को क्या करना होगा, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम वाला इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन छप कर आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, क्लिक करते हैं इस पर। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही स्क्रीन पर इस तरह का नोटिफिकेशन खुल कर आएगा। देख सकते हैं आप लोग जो प्रॉब्लम है, स्कैन इमेज ऑफ अमाउंट ओपनिंग, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, स्कैन इमेज ऑफ अमाउंट ओपनिंग मेंबरशिप फॉर्म्स आर नॉट रीडली अवेलेबल विद द सोसाइटी। यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोगों ने जो अकाउंट ओपनिंग का जो यानी कि अपना पासबुक का फॉर्म, पासबुक का आप लोगों ने स्कैन करके अपलोड किया था, वह क्या है, आसानी से रीडेबल नहीं, यानी कि वह आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। आगे देखेंगे, द डिपोजिटर इज़ एडवाइज टू रेक्टिफाई अबव डिफिशियंसी एज फाउंड इन हिज हर क्लेम फॉर्म एंड रीअप्लाई थ्रू अ पोर्टल एलोंग विथ रिक्वेस्ट साइट। यानी कि आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से पासबुक को अप्लाई यानी कि रीअपलोड करना होगा। इसके लिए आप लोग को रीअपलोड करने के लिए कब टाइम दिया जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। जैसे ही फिर से अपडेट करने के लिए अप्लाई आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में समझेंगे, ठीक है। तो देख, हिंदी वाला आप लोगों को बहुत सारे किसान भाई एवं बहन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब हिंदी में देखिए। हिंदी में यहाँ पर बोला गया है कि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे के विभिन्न स्तरों पर जाँच की गई और इसमें निम्नलिखित कमियाँ पाई गई। क्या कमियाँ पाया गया, तो देख सकते हैं, खाता खोलने से रास्ता फॉर्म में स्कैन की गई छवियाँ सोसाइटी के पास उपलब्ध नहीं है। तो समझ लिए होंगे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड किया है आप लोगों को। तो जैसे ही आप लोगों को रीअप्लाई करने का ऑप्शन आएगा तो आप लोग रीअप्लाई करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ लिए होंगे आप लोगों का क्या प्रॉब्लम की वजह से पैसा नहीं आ रहा सहारा रिफंड पोर्टल का। तो आप लोगों को जैसे ही फिर से अप्लाई करने के लिए आएगा अपडेट तो मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग।